हेलो हेलो गाइस, आई एम श्रेया। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू ऋषिकेश व्लॉग। एंड आप देख सकते हो मैं जा रही हूँ ऋषिकेश। तो हमने कर लिया था टेम्पू जिसने हमसे अराउंड 150 रुपीज़ लिए फ्रॉम हरिद्वार टू ऋषिकेश, एंड हम पहुँच गए। सो गाइस, वेलकम टू ऋषिकेश। आई एम इन ऋषिकेश एंड आई एम स्टेइंग एट द हॉस्टलर। बहुत ही अच्छी अकोमोडेशन है, आसपास का वाइब बहुत अच्छा है। इट्स ऑल फॉरेस्टी, ग्रीनरी ऑल अराउंड, एंड पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। फीलिंग सो गुड यहाँ पे। एंड हमने जो अकोमोडेशन लिया है वो 4 beds in 1 room लिया है। सो 4 लड़कियाँ 1 कमरे में रहेंगी, जिसमें मैं और मेरी कज़िन है, एंड 1 girl इज़ ऑल्सो वहाँ पे, एंड मे बी एक और कोई आ जाए। इट्स सो नाइस यू नो टू एक्सपीरियंस दिस, एक नया एक्सपीरियंस लेना एंड ऑल दैट। इट्स सुपर गुड। नाउ लेट मी शो यू अराउंड। दिस इज़ माई रूम। आप यहाँ से एंटर करते हो तो आपको ऐसे बेड्स मिलेंगे। दीज आर द लाइक 2 beds, बंको बेड्स, एंड देन 2 यहाँ। मेरी और मेरी कज़िन का बेड यहाँ पे, अभी यहाँ की बेडिंग सेट होनी है। देन यहाँ यू गेट अ फुल लेंथ मिरर, दैट इज़ द वॉशरूम। दे हैव ऑल्सो गिवन यू AC फैन एंड सीलिंग फैन एज वेल। देन यहाँ पे कुछ बैठने का, एंड देन चार्जर पॉइंट्स, एंड द बालकनी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। सो आई रियली लाइक द वाइब ऑफ दिस प्लेस, आई लव दिस। आई मीन अगर आपको अकेले आना है, कुछ यू नो अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। एंड अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। आई एम गोइंग टू चेंज इन माई शॉर्ट्स एंड टॉप बिकॉज हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने। बाय। सो हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने, जिसमें इसकी फट रही है बहुत, मेरी फट रही है, और पीछे एक बंदा है वो मुझसे कह रहा है कि तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम्हें डूब जाना है, और मुझसे कर रहा है बदतमीजी। मुझे आ रही है बहुत तेज गुस्सा और मेरी बहुत ज्यादा फट रही है यार। सो फाइनली हम अपनी राफ्टिंग वाली जगह वाया कैब पहुंच गए। हमने लाइव जैकेट्स वगैरह पहनी एंड हम नीचे उतर गए जहाँ हमें राफ्टिंग करनी थी, एंड वी स्टार्टेड राफ्टिंग। ओके, चिल्मे धूम धड़क, चिल्मे धूम धड़क, हिप हिप, 1 2 3 4। सो पहले हमने थोड़े स्टिल वाटर में ऐसे काफ़ी सारी नारेबाजी करी ताकि हम यू नो एकदम एक्साइटेड हो जाएं, हमारा मोराल बूस्ट हो जाए, हमें एनर्जी आ जाए, एंड देन फाइनली हमारी राफ्टिंग स्टार्ट हो गई एंड मज़े आ गए गाइस। चलो चलो जाओ जाओ, जो नहीं गया दिख रहा है इधर, कौन नहीं गया, चलो गो। सो दिस वॉज बेसिकली वाटर डिपिंग। हमें राफ्ट में बैठे बैठे अपना यू नो सर को पानी में ले जाना था एंड वाटर डिप करना था। आफ्टर क्रॉसिंग सो मेनी रैपिड्स हमने करी वाटर सर्फिंग, जिसमें हम पानी में उतर गए, एंड वाओ। हम नहीं लेंगे मैडम जी, पीछे तकिया दिया है ना, वीडियो बना दो वीडियो। हेलो, हाय, पानी गीला है, ठंडा है, गीजर चलाया था, ठंडा कैसे हो गया पता नहीं। सो जैसा कि यू सॉ, इतने डेंजरस रैपिड्स होते हैं, इतनी तेज पानी आता है, लाइक 4-5 रैपिड्स क्रॉस करने पड़ते हैं। मस्त मजा आ गया। सो गाइस, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं, लेजेंड द फोन इज शेकिंग, एंड आई एम ऑल वेट एकदम बिजी हो चुकी हूँ क्योंकि हमने राफ्टिंग करी है। अभी हमने एक स्टॉप लिया है, यहाँ पे वाटरफॉल है, बाकी ये हमारी राफ्ट है, इससे हम पूरा राफ्टिंग करके आए हैं, इतने सारे रैपिड्स आए, बहुत मजा आया। वाटर सर्फिंग भी करी, इट वॉज सो गुड, आई मीन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हम जहाँ पर रुके थे वहाँ पे इतना सुंदर सा वाटरफॉल था, सो आई वॉज सिटिंग बाय द वाटर एंड उसमें पैर डिप करके इतना अच्छा लग रहा था। साइड में पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, गंगा जी, राफ्टिंग एंड ऑल, एंड मैगी मिल रही थी, मैंने मस्त यू नो वेजिटेबल मैगी खाई, मज़ा आ गया, एंड इट वॉज सो सो गुड। हाँ जी, फुल काम चोरी हो रही है। देख सकते हो मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई हूँ, आई एम इन माई रूम एंड मैं नहा चुकी हूँ। गंगा जी में हम गए थे तो बाल और सब कपड़े अपने गीले हो गए थे, तो आई टुक यू नो वेरी फ्रेश बाथ, ऑब्वियसली दैट वाज मोर फ्रेश, बट देन आई हैड टू क्लीन अप, सो आई हैड द बेथ
एंड नाउ अब हम जा रहे हैं बाहर, इसे थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ा रेडी हो जाए उसके बाद चिल करेंगे थोड़ी देर, एंड उसके बाद लक्ष्मण झूला, राम झूला एंड त्रिवेणी घाट हम जाएंगे आरती देखने। दैट्स ऑल दैट वी हैव फॉर टुडे एंड देन सम जैमिंग सेशन एट द नाइट, सो स्टे ट्यून्ड। सो बाहर जाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं अभी अभी नहा के आई हूँ तो मेरा स्किन बहुत अजीब सा हो रहा है। एंड आप देख सकते हो मुझे एक यू नो प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच चाहिए थी कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आजकल मुझे ऐसे यू नो छोटे छोटे एक्ने हो रहे हैं, मतलब आपको बहुत विजिबली नहीं दिखेंगे बट छोटे छोटे एक्ने हो रहे हैं। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो यू नो टी जोन कभी ऑयली हो जाता है कभी ड्राई हो जाता है, तो मुझे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट्स चाहिए थे जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो। एंड मैं यूज कर रही हूँ आजकल वाओ स्किन साइंस इंडिया का नायसिनमाइड रेंज, जिसमें कि आई एम यूजिंग इट्स फेस वॉश एंड सीरम एंड इट हैज बीन रियली हेल्पफुल फॉर मी। एंड मैं इसको यूज करते हुए यू नो 2 to 3 weeks हो गया एंड इट्स बीन वर्किंग वेरी वेरी गुड फॉर मी। एंड इसमें नायसिनमाइड है, हाइड्रोलिक एसिड है एंड प्रो वाइटामिन B5 के यू नो अमेजिंग प्रॉपर्टीज हैं। इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स होना एक प्रोडक्ट में इज जस्ट अमेजिंग एंड यू नो काफी अच्छा स्किन बेनिफिट देता है मुझको ये। सो अब मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। कमिंग टू द फेस वॉश, फर्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स लाइक नायसिनमाइड है विच इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाइटामिन B3 दैट बूस्ट सेरामाइड लेवल्स, रिपेयर्स डैमेज एंड बैलेंसेस स्किन लिपिड लेयर। हाइड्रोलिक एसिड है जो कि स्किन के लिए नेचुरल हाइड्रेटर है एंड बूस्ट करता है कोलेजन ग्रोथ एंड सपलनेस भी एड करता है। प्रो वाइटामिन B5 है तो इसमें इम्प्रूव होती है हमारे स्किन की रिन्यूअल प्रोसेस एंड मिनिमाइज करता है फाइन लाइन्स को एंड स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। कमिंग टू द सीरम, सीरम में भी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं तो सेम बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये इतने अच्छे से यू नो डीप क्लेंस करता है एंड क्लैरिफाई करता है स्किन को, हाइड्रेट एंड रिपेयर करता है, स्किन के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है एंड नेचुरल बेस्ड है विदाउट एनी हार्श केमिकल्स। इसमें कोई भी पैराबिन, सल्फेट, सिलिकन्स या ये सब कुछ भी हार्श यू नो केमिकल्स नहीं है, विच मेक्स इट अ नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें 97.9% नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स है एंड दिस इज आइडियल फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्ने प्रोन स्किन। तो जरूर आप सब इसको यूज कर सकते हो एंड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अप्लाई दिस, ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई द फेस वॉश ऑन योर फेस एंड जस्ट यू नो मसाज इट रियली वेल एंड आपके सारे डेड स्किन सेल्स एंड डर्ट रिमूव हो जाएगा। सीरम लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पंप एप्लीकेटर मिलता है जो कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी बहुत ईजी हो जाती है। जस्ट पंप द सीरम ऑन टू योर हैंड या डायरेक्टली ऑन टू योर फेस एंड यू नो पैट इट वेरी वेल ऑन टू द स्किन। काफी डीपली अब्जॉर्ब हो जाएगा सीरम आपके स्किन में एंड काफी अच्छा इफेक्ट देता है। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट्स एंड डू यूज देम। सो गाइस आपने देखा कि कितने अच्छे से इसने मेरे स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज कर दिया। आई रियली लाइक दिस रेंज, डू यूज इट, आई हाईली रिकमेंड इट टू यू ऑल एंड ऑल्सो यू विल गेट अ विजिबली ऑयल फ्री एंड क्लियर स्किन। सो जरूर यूज करो एंड बी वाओ नेचुरली। यू कैन सी कितना अच्छा ग्लो आ गया मेरे फेस में आफ्टर यूजिंग द वाओज B3 रेंज। कितना अच्छा एंड साफ लग रहा है मेरा स्किन, टैनिंग भी हट सी गई है ऐसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे एंड आई एम फीलिंग वेरी नेचुरल एंड गुड। सो ये अब मैं आपको अपना हॉस्टलर दिखा रही हूँ। सो ऐसे बाहर यू नो द हॉस्टलर का बोर्ड लगा रहता है, गेट अप एंड गो एंड जस्ट अमेजिंग क्लियर वाइब्स, ऐसे ही साउंड यू नो म्यूजिक वगैरह बजता रहता है, बहुत फन वाइब है। बगल में हॉस्टल भी है एंड बट आई हाईली रिकमेंड हॉस्टलर, हॉस्टलर का वाइब इज जस्ट क्लियर एंड क्रेजी, बहुत ही सुंदर बना है एंड अ मस्ट 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 विजिट प्लेस। सो रेडी होने के बाद वी वेंट टू साई घाट जहाँ पे हमने गंगा आरती देखी एंड राम झूला के पास ऐसे गंगा जी में बैठे पैर डिप करके एंड इतना अच्छा लग रहा था आरती लेने के बाद, इतना पीसफुल एंड इतना काम, इतना शांति हो गई थी, लाइट वगैरह भी जल रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था एंड इतनी अच्छी हवा एंड जस्ट टोटली अ वेरी पॉजिटिव वाइब। फिर हमें भूख लग रही थी तो हमने गोला, बताशे, चना चोर गरम वगैरह खाया, देन हम गए बिस्त्रो जो कि हमारे हॉस्टल के पास में कैफे है बिस्त्रो निर्वाणा।
सो जैसे कि आपने देखा नाइट पार्टी तो इतनी फन रही, हमने जैमिंग की, डांस किया। अब जैसे आप देख रहे हो हमारे बज रहे थे सुबह के 4:30-5 एंड हम निकल गए थे कुंजापुरी के लिए जो कि ऋषिकेश से 30 किलोमीटर ऊपर है। अपने फ्रेंड्स के संग स्कूटी से जा रहे थे सुबह सनराइज़ देखने एंड इतना मेस्मराइजिंग व्यू हमें देखने को मिला रास्ते में, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ एंड जस्ट क्रेजी व्यू। एंड हम पहुंच गए, हमें लगा अराउंड 1 आवर पहुंचने में। देन हमें आप बहुत सारे स्टेयर्स यहाँ पे क्लाइंब करने थे टू सी दिस व्यू, अमेजिंग। ये था कुंजापुरी टेम्पल एंड यहाँ का वाइब इतना अच्छा था, सुबह सनराइज़ देखा, इतना मेस्मराइजिंग व्यू देखा एंड जस्ट मैं बियॉन्ड एक्सप्रेशंस एंड बियॉन्ड यू नो एक्सप्लेनेशन है ये, बहुत ही क्रेजी व्यू था एंड इतना पीसफुल था टेम्पल एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो फिलहाल तो यही प्लान था, हम वापस चले गए, हमने खाया वाया एंड हम निकल गए मसूरी के लिए। बट हमारे प्लान में आया कुछ ट्विस्ट, हमें वापस ऋषिकेश आने का मन हुआ तो हम मसूरी से वापस आए ऋषिकेश एंड हमने घूमा फिर से ऋषिकेश एंड कुछ और जगह एक्सप्लोर की। हमारी अच्छी किस्मत कह लो या क्या कि हमें ऋषिकेश ने सनसेट और सनराइज़ दोनों ही दिखा दिया एंड वी आर गोइंग टू सी सनसेट एट केआर की जो कि नीर वाटरफॉल के भी ऊपर है। तो हमने वहीं पे बैठ के गाने सुने, डांस किया ना। आप देख रहे हो जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी इतनी सुंदर लाइटिंग होती जा रही थी, पूरा ऋषिकेश ऊपर से हमें दिख रहा था, इतना चमक रहा था, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। एंड उसके बाद हमने कुल्फी उल्फी खाई, वापस अपने हॉस्टलर में आके हमने पार्टी की, जैमिंग की, गाने सुने एंड बहुत ही मज़ा आया। रात भर इंजॉय करने के बाद एंड इतनी अच्छी मेमोरीज बनाने के बाद हमने लास्ट में सुबह सबके संग बैठ के अपना ब्रंच किया एंड बहुत अच्छा लगा एंड इट वॉज रियली अमेजिंग। थैंक यू ऋषिकेश एंड हॉस्टल पीपल फॉर मेकिंग आवर ट्रिप अमेजिंग एंड वंडरफुल एंड बहुत ही हार्ट फेल्ट गुड बाय था ये ऋषिकेश को एंड आई एम रियली श्योर इट्स नॉट अ गुड बाय एंड दैट वी आर गोना कम अगेन। टिल देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।